नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। जो लोग कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है कहीं इंस्टीट्यूट पे जाने का, तो वो घर बैठ के आसानी से बेसिक कोर्स कर सकते हैं। तो हम आज आपको कंप्यूटर की बेसिक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे कि आपको दिखाते हैं ये डेस्कटॉप है, जो ये आपका कंप्यूटर ओपन है, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। देखिए ये आपका क्या है, डेस्कटॉप है। तो हम बताते हैं डेस्कटॉप में ये आपका माउस पॉइंटर, जो ये एरो का जो चिन्ह दिख रहा है ये माउस पॉइंटर, जो आपका हिल रहा है देख रहे हैं, ब्लिंक कर रहा है, ये माउस पॉइंटर है। तो हम आते हैं और इसे कहते हैं, ये जो आप इसे डेस्कटॉप कहते हैं, मतलब जो पृष्ठभूमि है कंप्यूटर की। दूसरी बात बताते हैं हम सिस्टम आइकन, जो आपको ये सब आ रहे मिल दिख रहे हैं, ये सब ये कंप्यूटर रिसाइकल बिन कंट्रोल पर, ये सब सिस्टम आइकन है। और ये सब आइकन हर सॉफ्टवेयर के अलग अलग आइकन बने रहते हैं, जो आप देख रहे हैं गूगल क्रोम सारी ये आइकन है। तो सिस्टम आइकन आपको तीन दिख रहे हैं, जो कि चार सिस्टम आइकन होते हैं। ये होता है माय कंप्यूटर, होता है रिसाइकल बिन, होता है कंट्रोल पैनल, होता है माय नेटवर्क होता है। चार प्रकार के सिस्टम आइकन होते हैं और जो सारे पीले रंग का जो बॉक्स होता है उसे फोल्डर कहते हैं। तो हम आते हैं आपका बेसिक चीज बताने बाद, इसे कहते हैं टास्क बार। जो आपकी ये हरी पट्टी दिख रही है इसे टास्क बार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टास्क बार। तो हम आते हैं, ये आपका क्या है, इसे स्टार्ट मेनू कहते हैं, स्टार्ट मेनू या विंडो की। इससे क्या चलते हैं, हम आपको स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपको स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको वर्डपैड स्टार्ट कराते हैं, वर्डपैड की बेसिक चीज़ें बताते हुए वहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम सारी चीज़ को आपको क्लियर करते जाएंगे। तो ये देखिए आपका स्टार्ट मेनू, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं आल प्रोग्राम पे जाइए। आल प्रोग्राम पे जाके विंडो एसो सीरीज, आपको कहीं दिखा विंडो एसो, विंडो एसो सीरीज पे क्लिक करते हैं और नीचे देखेंगे वर्डपैड का आइकन आपको मिलेगा। तो वर्डपैड के जैसे टूल पे या आइकन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे सामने वर्डपैड का विंडो ओपन हो जाता है। तो हम इसके बारे में बताते हैं, जो सबसे ऊपरी पट्टी होती है इसे टाइटल बार कहते हैं, सबसे ऊपरी पट्टी। और भी हम एक तरीके से खोल सकते हैं अगर वर्डपैड को, अब हम पहले ये तो लॉन्ग मेथड था, अब हम शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि वर्डपैड का विंडो कैसे ओपन करते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में विंडो प्लस आर की जैसे ही प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारा, जैसे ही हम विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, विंडो ओपन हो जाता है। जैसे ही हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं, दो मिनट देखा तक करिए, कीबोर्ड से हम ओपन करते हैं आपके सामने। देखिए विंडो प्लस आर की हम जैसे प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। ये हमने प्रेस किया विंडो प्लस आर की, देखिए ये रन कमांड ओपन हो। तो इसके अंदर हम क्या टाइप करेंगे, वर्ड पैड, देखिए WORDPAD, देखिए वर्ड सही होगा। जैसे ही हम इंटर करते हैं, इंटर हमने किया, हमारे सामने वर्ड पैड का विंडो ओपन है। ये शॉर्टकट मेथड नहीं, देखिए अगर एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं, विंडो प्लस, विंडो की प्लस आर को प्रेस करते हैं, विंडो की प्लस आर, विंडो मतलब जो ये आइकन बन रहा है ये आप देख रहे हैं, इसी की तरह आपके कीबोर्ड में भी एक की होगा, उसको विंडो की कहते हैं। अब विंडो के साथ आर की को प्रेस करते हैं, फिर साथ में वर्ड पैड टाइप करते हैं। देखिए अगर ये रॉन्ग होगा, जैसे अभी मान लीजिए आपका स्पेलिंग है WORDPAD अगर आप टाइप करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, और जब भी स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो ये सिंबल आ जाता है। तो हमेशा आप राइट टाइप करिए वर्ड पैड को। अगर आप एक और भी मेथड है, हम आपको तीसरी मेथड बताते हैं, हम अगर राइट WRITE राइट अगर यूज करते हैं तो राइट को जैसे ही राइट भी लिख के हम वर्ड पैड का विंडो को ओपन कर सकते हैं। मतलब राइट मतलब होता है लिखने का, मतलब वह विंडो जिसमें लिखने का, और करते हैं। तो हम चलते हैं कुछ इसके मेनू के बारे में आपको बता देते हैं, तो आप देखते रहिए। इसके मेनू के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं, देखिए इसके मेनू के बारे में हम क्लियर करते हैं आपको। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको क्लिप बोर्ड है, तो इससे क्या होता है, जैसे ये आपका क्लिप बोर्ड है तो इससे क्या होता है, तो हम बताते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा, जैसे हमको कुछ लिखा है, जैसे हमने लिखा राम, हमने कुछ टाइप किया है, जैसे हमने ये लिखा राम,
इज गोइंग टू मार्केट। तो देखिए हमने ये लिखा है, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके लेफ्ट की को प्रेस करते हैं, लेफ्ट की को प्रेस करते हैं तो ये सेलेक्ट हो, जैसे ही जहाँ से हमको सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक को प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमारा ये सेलेक्ट हो जाता है, अब इसमें हम क्लिप बोर्ड का, जैसे देखिए आप जब तक सेलेक्ट नहीं किए रहते हैं, देखिए ये हाईलाइट कर रहा है, आप देख रहे हैं हाईलाइट नहीं हो रहा है, और जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं देखिए ये हाईलाइट हो जाता है, हो रहा है, देखिए पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था लेकिन जैसे आप सेलेक्ट करते हैं वैसे ये क्या हो जाते हैं, ये हाईलाइट हो जाते हैं, हाईलाइट हो गए। अब इसको आपको कॉपी करना पेज, देखिए ये जो टूल बन रही है हाईलाइट के कारण हो रहा है, देखिए इस पर बन रहा है, इस पर नहीं बन रहा, अभी हम हटा देते, देखिए इस पर बन रहा है, हाईलाइट नहीं होता तो बॉक्स की तरह नहीं बनता, जैसे ही हम क्लिक करते तो देखिए ये बॉक्स की तरह बन रहा, मतलब ये हाईलाइट हो गए। तो आपको कॉपी करके बताते, कॉपी मीन्स क्या होता है कि हम किसी भी टेस्ट की अगर कॉपी करते हैं तो उसका बहुत सारा डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हमने कॉपी किया, अब हम इसको कहीं भी लेकर जाते हैं, जैसे कहीं भी लेकर जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करते हैं देखिए उसका डुप्लीकेट तैयार होता चला जा रहा है। तो कॉपी कर, जैसे ही हमने कॉपी किया तो ये दूसरा वाला हाईलाइट हो जाता है, लेकिन जब तक आप कॉपी पे क्लिक नहीं करते, दूसरा क्या होता है, कट, कट के साथ साथ हम क्या करते हैं, कट मतलब होता है कि जब किसी टेस्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जा रहा रहता है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो हम कट करें, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं, तो जैसे ही कट करते हैं देखिए वो टेस्ट गायब हो गया। अब इसको आपको यहाँ लेकर जाना, जहाँ भी आपको लेकर जाना है वहाँ आप लेकर जा सकते हैं, जैसे ही हम इंटर करके आपको दिखाते हैं, या तो हम किसी दूसरे पेज पे, जैसे हमने यहाँ पे इंटर किया तो वहाँ पेस्ट कर देते हैं, देखिए ये आपका कट आ गया, नहीं तो आपने कट किया है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो आपने कट किया है तो हम अगर एक पेज से दूसरे पेज पे कहीं ले जाने के लिए आप कट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हम पेस्ट करेंगे देखिए जो आपने कॉपी किया था वो वापस आ गया। तो हमने आज को बताया आपको कॉपी, कट, पेस्ट। अगर आपको, फिर हम आते हैं आज फॉन्ट भी बताते हैं, तो दूसरा क्या है, ये आपको इसे कहते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिलीज क्या होता है, ये आपके टेस्ट की डिजाइन है, आपने देखा होगा जैसे शादी विवाह में बहुत सारे टेस्ट की डिजाइन बनी होती है, तो वो डिजाइन आप चेक करते हैं, जैसे इसको पहले टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं और ये दूसरा आपकी फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट टेस्ट की साइज को बढ़ाते हैं, देख रहे हैं जितनी आपको साइज बढ़ाना है उतनी साइज आप बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ गई तो फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आपको हम डिजाइन चेंज करते हैं, मतलब इसे आप कह सकते हैं टेस्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल है आप देख रहे हैं, एक नया नया स्टाइल है, देखिए इसकी स्टाइल चेंज हो कि नहीं, आप दूसरे टेस्ट का भी स्टाइल सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप किसी भी टेस्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं अलग अलग टेस्ट की अलग अलग डिजाइने हैं, तो जो आपको टेस्ट डिजाइन चेंज करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं अलग अलग डिजाइन आपको जो अच्छा लगा हो तो उसमें आप टेस्ट की डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये पहला हमने बताया कॉपी, कट, कॉपीज क्या होता है, किसी टेस्ट को कॉपी करना होता है, मतलब उसको डुप्लीकेट तैयार करने के लिए हम कॉपी का उपयोग करते हैं, कट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान टेस्ट ले जाने के लिए साथ में कॉपी भी हो जाता है, अगर आप एक स्थान दूसरे स्थान किसी टेस्ट को कट करते हैं साथ में वो क्या हो जाता है, कॉपी भी हो जाता है, तो आप आसानी से उसको ले जा सकते हैं। पेस्ट क्या होता है, जो कॉपी या कट की गई फाइल को वापस लाने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरी हमने बताया फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट फैमिली आप इसकी सहायता से अपने टेस्ट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब टेस्ट की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते, पहले टेस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं फिर फॉन्ट फैमिली में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। उसी तरह आपकी टेस्ट साइज बढ़ाना है तो टेस्ट साइज को पहले सेलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, अब इसकी साइज को अगर आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। दूसरी हमने बताया साइज को जितना आपको बड़ा करना है, यहाँ पे देखिए साइज दिया है आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमने बताया स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली की स्टाइल चेंज कर सकते, देख रहे हैं अलग अलग डिजाइन है तो अपने स्टाइल से चेंज करते। अगर हम नेक्स्ट बिंदु अगली बार डालेंगे, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम आपको पूरा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के साथ एमएस ऑफिस, हम आपको टैली सारा पैकेज आपको क्लियर कराते चलेंगे। तो आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करिए, और जो ये घंटी वाला बॉक्स बना है उसको आप क्लिक कर देंगे तो जो भी हम वीडियो डालते रहेंगे वो आपको वीडियो तुरंत मिलता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।